मेडिकल है, तो सबसे पहले एक चीज़ नोट करें, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का अगर मुझे वेट निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट क्या होगा? सपोज mg, वेट होगा mg, बॉडी का वॉल्यूम v है और डेंसिटी अगर रो है, तो मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, तो वॉल्यूम वो v रो और g, तो v रो g का मतलब है वेट, वेट ऑफ द बॉडी, mg भी है लेकिन मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? तो वेट ऑफ द बॉडी को क्या लिखा जा सकता है? v रो g। ठीक है, दूसरा, जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में होती है, लिक्विड में बॉडी की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो याद रखना, लिक्विड में जब भी कोई बॉडी जाती है तो लिक्विड या वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ बॉयंसी या ऊपर की फोर्स, ऊपर को बोलते हैं अप, फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। हम भी अगर स्विमिंग पूल में जाएंगे तो पानी हमारे ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अप थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अप थ्रस्ट का मतलब हमेशा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो जब एक बॉडी का वॉल्यूम वी है और वो लिक्विड में चली गई, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी डिस्प्लेस क्या करेगी? वी। अगर बॉल का वॉल्यूम वी है तो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस भी क्या करेगी? वी। अप थ्रस्ट में क्योंकि वेट किसका होता है? लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी यूज करेंगे? लिक्विड की इनटू जी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है, जब बॉडी का वेट निकालना है तो वी रो जी में डेंसिटी किसकी? बॉडी की। अगर अप थ्रस्ट निकालना है तो फिर डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। इंपॉर्टेंट है, अप थ्रस्ट में हमेशा डेंसिटी लिक्विड की ही यूज करेंगे। ये दो चीजें क्लियर हैं? ये सारा काम हम करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, लिक्विड का चैप्टर, उसमें यही कुछ किया जाता है। पर आज एक न्यूमेरिकल आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर, असाइनमेंट के अंदर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन ये है, सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है, इसकी डेंसिटी रो है, और इसको मैं लिक्विड के अंदर ले गया। जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो 3 रो है, 3 गुना ज़्यादा डेंसिटी है, तो लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा? अब पूल में जाते हो, प्लास्टिक की बॉल को नीचे लेके आते हो, छोड़ते हो, प्लास्टिक की बॉल पानी से निकलती हुई हवा में आती है, आप कितनी हाइट नीचे ले गए? h गिवन है, और ये हवा में कितनी हाइट आ गई? h डैश। और आपको निकालना है आंसर, h डैश क्या होगा? ठीक है, ठीक है यहां तक? तो मुझे सिर्फ ये बताओ, लिक्विड के अंदर एक्सेलेरेशन क्या होती है? -9.8 ना। लिक्विड कोई, देखो यहां एयर की प्रॉब्लम अलग है और लिक्विड की अलग है, एक्सेलेरेशन डिफरेंट है इनमें। तो ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो अगर मैं आपको यहां पे इसकी वेलोसिटी बता दूं, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आप एयर के लिए लगा लेना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 × -g × h-। तो अगर v बता दूं तो h डैश आ जाएगा। तो v निकाल लें। v के लिए एक बात बताओ, इसका वेट कहां एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउन। तो बॉडी का वेट में डेंसिटी किसकी? बॉडी की डेंसिटी क्या है? रो। और ये बॉल ऊपर जा क्यों रही है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है? अप थ्रस्ट। कितना? v into डेंसिटी ऑफ लिक्विड into g, बताया था ना। तो अब थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं? लिक्विड की। अब ये बताओ कि इसको नीचे की ये फोर्स है, ऊपर की ये फोर्स है, कौन सी फोर्स बड़ी, ऊपर की कि नीचे की? ऊपर की। तो नेट फोर्स क्या है? v into 3 rho into g।
माइनस जीरो जी नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो v इंटू थ्री रो इंटू जी, वी इंटू रो इंटू जी, मास किसका? बॉडी का। तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की। तो रो वी कैंसल, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई लिक्विड में? 2g। ठीक है, तो आप लिक्विड के अंदर लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू एस। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4gh। इस वैल्यू को आप उठा के यहां पे पुट कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस 4gh इज माइनस 2gh डैश, g माइनस कैंसल, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई?